रिजवाना दशरथ केस, जज आसिम को नौकरी से बर्खास्त करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कमसन घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद के केस में सिविल जज आसिम हाफीज को नौकरी से बर्खास्त करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया गया कि सिविल जज आसिम हाफीज को नौकरी से बर्खास्त किया जाए। दरख्वास्त सिविल सोसाइटी नेटवर्क इस्लामाबाद के सदर अब्दुल्ला मलिक ने दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया कमसन रिजवाना पर तशद्दुद के इल्जाम में जुडिशियल रिमांड पर है, जबकि सिविल जज को तशद्दुद केस के बायस लाहौर हाई कोर्ट ने OST बना रखा है। वाज़ेह रहे कि कमसन मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद केस की तहकीकात जारी है, जिस पर मुलजिमा सोमिया आसिम के शौहर और सिविल जज आसिम हफीज को मुश्तरका तहकीकाती टीम ने तलब कर रखा है। ज़राए के मुताबिक TIT सिविल जज आसिम हफीज को 5 बार तलब कर चुकी। सिविल जज ताहाल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश नहीं हुए।